हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी फूड वेज रेसिपीज। आज हम बनाएंगे बिहार और झारखंड की एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के साथ हम टमाटर की चटनी और आलू का भरता भी बनाएंगे। ये दिखने में तो बाटी जैसी होती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो चोखा जो है वो बैंगन का बनता है, तो सबसे पहले हम बैंगन को अच्छे से भून लेते हैं। तो जब तक बैगन भूनता है तब तक हम लीटी का आटा तैयार कर लेते हैं। लीटी बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी हम इसलिए डालते हैं जिससे कि लिट्टी सॉफ्ट बने, लेकिन अगर आप ज़्यादा घी डाल देंगे तो आपकी लिट्टी टूट सकती है, और अगर आपने कम घी डाला तो आपकी लिट्टी हार्ड भी बन सकती है। तो आप घी को सही क्वांटिटी में ही डालिएगा। बस आपको घी उतना ही डालना है कि जिस तरीके से आप इसको उठाएं तो आपका ये इस तरीके से बाइंड हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा कड़ा आटा मलेंगे। तो हमने आटा अच्छे से मल लिया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको एक बार फिर से मल के और फिर अच्छे से रख देंगे। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए बैंगन भी अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ मैंने लिए 2 टमाटर, अब इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जब तक बैंगन और टमाटर ठंडा होता है तब तक हम लिट्टी के अंदर की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप सत्तू का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अचार का मसाला। आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं, मैंने मिर्ची का अचार लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 कप कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कच्चा सरसों का तेल। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा बाइंड हो जाए स्टफिंग के लिए और एकदम सूखा सा ना लगे। तो ये देखिए अच्छे से बाइंड वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम लिट्टी बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए आटा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से लेकर इसको अच्छे से रोल करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से फ्लैट करते जाएंगे साइड से। हमने जो लिट्टी के लिए स्टफिंग बनाई थी सत्तू की वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम बहुत ही ध्यान से इसको इस तरीके से रोल करते हुए इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको पैक करके और फिर रोल करके हम इसको फ्लैट कर देंगे।
अगर आप चाहें तो आप इसको राउंड शेप में भी रख सकते हैं। तो देखिए हमारी पहली लिट्टी बनके तैयार है। अब यहाँ मैं आपको एक और लिट्टी दिखा रही हूँ, इसी तरीके से हम बाकी लिट्टी भी बनाएंगे। तो देखिए हमारी सारी लिट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम लिट्टी को बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली है, तो हम सारी लिट्टियों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके और फिर इस बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अब हम इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक नहीं करना चाहते तो आप इसे गैस ओवन तंदूर में भी बेक कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे आलू भरता। मैंने यहाँ पे एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे मैं हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज, नमक, 1 टीस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टीस्पून कच्चा सरसों का तेल। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू का भरता बनके रेडी है। तो अब हम चोखे की तैयारी करेंगे। तो मैंने बैंगन को अच्छे से पील कर लिया है। अब हम बैंगन को चाकू की मदद से इस तरीके से मैश करेंगे। तो हमने 2 टमाटर भूने थे, उसमें से 1 टमाटर को अब हम चॉप करेंगे। अब यहाँ मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे मैं हाथ से इस तरीके से तोड़ के और मैश कर लूँगी। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप जब लिट्टी खाने जा रहे हो उससे थोड़ी देर पहले ही चोखा बनाएं, तो ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून नींबू का रस, तदनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 कप चॉप्ड हरा धनिया, रब जाएगा मेन इंग्रेडिएंट कच्चा सरसों का तेल। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस कच्चा सरसों का तेल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेन इंग्रेडिएंट है इस चोखे का। आप इसे हाथ से मैश नहीं करना चाहते तो आप कोई मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ हाथ का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हाथ का इस्तेमाल करने से इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो बैंगन का चोखा भी बनके रेडी है। तो हमने जो 2 टमाटर भुने थे उसमें से 1 टमाटर की हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो हम उस टमाटर को इस तरीके से चॉप कर लेंगे और अब हम इसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कच्चा सरसों का तेल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी टमाटर की चटनी बनके रेडी है। तो हमारी बाटी बेक हो चुकी है, ये हाफ कुक हो चुकी है। अब हम इसे गैस पे सेकेंगे। हम इसे अच्छे से पलट कर चारों तरफ से सेकेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और लिट्टी लगभग हमारी बनके तैयार है। हम इसे ट्रेडिशनल फ्लेवर देने के लिए इसको गैस पे सेक रहे हैं। आप चाहें तो इसे पूरा ओवन में बेक कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये चारों तरफ से अच्छे से पक चुकी है। तो हमारी लिट्टी बनके रेडी है। अब आता है इसका बेस्ट पार्ट, जो कि है घी। आप इस पर खूब अच्छे से घी डालिए और फिर इसे सर्व करिए। तो हमारी लिट्टी चोखा बनके तैयार है, टमाटर की चटनी और आलू के भरते के साथ। तो देखिए ये है हमारी लिट्टी, ये है बैंगन का चोखा, ये है हमारी टमाटर की चटनी और ये है आलू का भरता, जिसे हमने सर्व किया है थोड़े घी के साथ। गाइस इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें हमने बहुत कम तेल का यूज़ किया है और एंड में बस इसमें हमने घी का यूज़ किया है, जो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको नहीं खाना है तो। और तो और इसमें सत्तू का यूज़ हुआ है,
और ये एक अपने आप में ही एक फिलिंग रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए देसी फूड वेज रेसिपीज़, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।